हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्क बुक्स वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे प्रेस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड रिमाइंडर ऑप्शन की अगर आप एक फार्मेसी रिटेलर हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है इस ऑप्शन की हेल्प से आप आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं जो आपसे अपनी इलनेस के लिए रूटीन में मेडिसिन लेते हैं आप उनके डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को सिस्टम में सेव कर सकते हैं और जब भी आपका वो कस्टमर आपसे मेडिसिन लेने आएंगे आप, दे तो आप किए गए इनके प्रेस्क्रिप्शन के बेस पर उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं इससे आप अपना और अपने कस्टमर्स दोनों का टाइम सेव कर सकते हैं और साथ ही आप प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर की हेल्प से अपने कस्टमर्स को उनकी मेडिसिन के लिए एस एस फोन व्हाट्स के जरिए रिमाइंडर भी भेज सकते हैं जिससे उनकी मेडिसिन भी मिस नहीं होंगी और आप एक बेटर कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे और साथ ही इससे आपकी सेल भी इंक्रीज होगी तो आइए देखते हैं कि आप मार्क बुक्स में प्रेस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड रिमाइंडर ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं तो मार्क बुक्स में प्रेस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए आप मास्टर मेन्यू से अदर मास्टर से प्रेस्क्रिप्शन पर आएंगे तो यहाँ आपको प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट शो हो जाएगी सिंपली आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके अपने कस्टमर की दी हुई प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे जिसमें फर्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन नंबर जो ऑटोफिल हो जाएगा फिर प्रिस्क्रिप्शन डेट सिलेक्ट करेंगे देन यहाँ डेज मेंशन करेंगे जितने दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं सपोज टेन एंटर करते हैं फिर पेशेंट डिटेल्स में दिए सर्च फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो पेशेंट लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ से पेशेंट सिलेक्ट कर लेंगे और अगर पेशेंट क्रिएटेड नहीं है तो यहीं से क्रिएट पर क्लिक करके पेशेंट क्रिएट कर लेंगे एंड आप जैसे ही पेशेंट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो पेशेंट की डिटेल्स जैसे कि कोड नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा इसके बाद सेम प्रोसेस डॉक्टर डिटेल्स फिल करने के लिए करेंगे डॉक्टर डिटेल्स में दिए सर्च फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे और यहाँ से डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे और अगर सपोज डॉक्टर क्रिएट नहीं है तो यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करके डॉक्टर क्रिएट कर लेंगे डॉक्टर सिलेक्ट करते ही सिलेक्टेड डॉक्टर की डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी इसके बाद अब जैसे ही आइटम डिस्क्रिप्शन पर आएंगे तो आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन डेज ऑटोफिल हो जाएगा अब आइटम सिलेक्ट करेंगे अब जैसे ये टैबलेट है तो यहाँ मेंशन करेंगे कि इस टैबलेट की कितनी डोज एक दिन में लेनी है जैसे दो मेंशन करते हैं तो डोज के बेस पर क्वांटिटी यहाँ ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी बट अगर आप चाहें तो क्वांटिटी को आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं जैसे अगर ये टैबलेट केवल पांच दिन लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं फिर यूनिट सिलेक्ट करेंगे स्टार डेज इसका मतलब है कि आइटम या प्रोडक्ट डेज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो या नहीं इसे आप डोज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं फिर यहाँ हमने नेक्स्ट आइटम सिरप ली है और ये टू एम लेनी है इसके बाद यहाँ मोर ऑप्शन हैं यहाँ से आप अदर डिटेल्स कर सकते हैं देन अब prescription को सेव करते हैं इस तरह से तो आप मार्क बुक्स में अपने कस्टमर्स के लिए उनकी प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं अब आइए जानते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के लिए रिमाइंडर कैसे सेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्हें डेली बेसिस पर मेडिसिन लेनी होती है तो आप उनकी मेडिसिन खत्म होने से पहले उन्हें एस के थ्रू रिमाइंड करवा सकते हैं कि सर या मैडम आप जितने दिन की मेडिसिन लेकर गए थे वो खत्म होने वाली है आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करवा लीजिए इससे आप एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे और अपने कस्टमर्स को टाइम से मेडिसिन ना मिलने के कारण होने वाले लॉस से भी हेल्प कर पाएंगे और आपकी इस गुडविल से आपकी कस्टमर्स भी इंक्रीज होंगे और सेल भी और आप मार्क बुक्स में दो तरह से अपने कस्टमर्स को प्रेस्क्रिप्शन रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं पहला एक तो कस्टमर की प्रेस्क्रिप्शन और सेल बिल जनरेट करने के बाद आप जब भी मार्क बुक्स में लॉग इन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपके थ्रू क्रिएट किए गए prescription या शो हो जाएंगी आप यहां से अपने कस्टमर्स को डेली एक रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं और ये रिमाइंडर विंडो आपको तब तक लॉगिन करने के बाद शो होती रहेगी जब तक आप इनका सेल बिल जनरेट नहीं कर लेते तो आपको जिस भी कस्टमर को रिमाइंडर सेंड करना होगा आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके उस कस्टमर की प्रेस्क्रिप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेंड एस एम पर क्लिक करेंगे जिससे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उन्हें एस सेंड हो जाएगा और दूसरा आप यहाँ दिए मेन्यू बार से सी ऑप्शन से प्रेस्क्रिप्शन रिमाइंडर पर आएंगे तो यहाँ भी आपको वो सभी प्रेस्क्रिप्शन उनकी ड्यू डेट के साथ शो हो जाएगी जो आपने क्रिएट की होगी आपको जिस भी अपने कस्टमर को प्रेस्क्रिप्शन रिमाइंडर सेंड करना होगा आप उन कस्टमर की प्रेस्क्रिप्शन के आगे दिए चेक बॉक्स को टिक करेंगे एंड यहाँ से सेंड एस एम एस पर क्लिक करके उन्हें रिमाइंडर सेंड कर देंगे आप इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन को शेयर कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एट्सट्रा यही नहीं आप मार्क बुक्स में ही अपने कस्टमर की सहूलियत के अकॉर्डिंग डे वाइज एंड अमाउंट वाइज भी उनको उनकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं आइए इसका प्रोसेस देखते हैं अब सपोज आपका कोई कस्टमर आपसे टेन डेज की मेडिसिन लेने आते हैं और आपने 10 डेज के अकॉर्डिंग कस्टमर की प्रेस्क्रिप्शन एंड सेल बिल जेनरेट कर लिया अब आपके वो कस्टमर कहते हैं कि उन्हें 10 डेज की नहीं 5 डेज की मेडिसिन चाहिए या फिर पर्टिकुलर अमाउंट की मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए आप सेल बिल विंडो पर शिफ्ट के साथ लेफ्ट स्लैश की प्रेस करेंगे देन ये कन्वर्जन विंडो ओपन होगी अब अगर आप डे वाइज मेडिसिन एंड अमाउंट कम करना चाहते होंगे तो पहले प्रेस्क्रिप्शन फीड फॉर में आप वो डेज मेंशन करेंगे जितने डेज प्रिस्क्रिप्शन में, में मेंशन होंगे जैसे कि टेन डेज और फिर कन्वर्ट इन टू डेज में उतने डेज मेंशन करेंगे जितने डेज की मेडिसिन कस्टमर अब परचेज करना चाहते होंगे लेट से फाइव एंड देन सेव टैप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट डेज के अकॉर्डिंग टेन डेज की मेडिसिन को फाइव डेज का कर दिया है और फाइव डेज के अकॉर्डिंग अमाउंट भी लेस कर दिया है इसी तरह से अगर आपके कस्टमर अमाउंट वाइज मेडिसिन परचेज करना चाहते हैं तो आप रिक्वायर्ड बिल अमाउंट में उतना अमाउंट मेंशन करेंगे जितने अमाउंट तक की मेडिसिन आपके कस्टमर अब परचेज करना चाहते हैं और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह से आप अमाउंट वाइज भी प्रिस्क्रिप्शन को कस्टमर के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह आप मार्कबुक्स में प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड रिमाइंडर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग